याकूब अली चौधरी, याकूब अली जो लंदन से आए हुए हैं खास टूर्नामेंट के लिए आए थे, और पिछले मैच में क्या शानदार परफॉर्मेंस रहा था उनका, बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हुए यहाँ पर, बहुत क्लैपिंग हो जाए एक बार। प्राइज दिलवाएंगे जो हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, और अनुज भाई यहाँ पर उन्होंने कोचिंग कराई थी छोटे बच्चों की, तो जिन बच्चों ने थोड़ा काफी अफर्ट करके यहाँ तक आए हैं, सबसे पहले मैं उन्हीं को इनवाइट करूंगा। दे आर अली 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 को पहला इनाम दिया जाएगा। जाओ जाओ, बहुत शानदार यहाँ पर। ये उन बच्चों के लिए इनाम दिया जा रहा है जिन्होंने बहुत ही शानदार मेहनत से अपना परफॉर्म किया है। यहाँ को आ जाओ, यहाँ को आ जाओ। अदर तनाव पत्थर अबूजर अलवर, बस ऐसा बच्चे पुलिस का यहाँ जाए, और मैं अपने क्लब के प्रेसिडेंट राजन शर्मा जी से कहूंगा इन बच्चों को मोमेंटो थोड़ा ट्रॉफी दें। और अली अली ये अली है, इन्होंने बहुत शानदार रुद्र चार वो बच्चे हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, अपने स्किल दिखाई है। सब एक साथ खड़े हो जाओ, सब एक साथ खड़े हो जाओ, एक साथ एक लाइन में रुद्रा। अरे यार एक साथ अरे निकल गया। बच्चे जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है बेटा, अबे इसको वो निकल गया शायद, बैटरी लगेगी इस पे। बैठ जाओ नीचे को, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे अलवर कौन है? अलवर अलवर घर से नहीं नहीं अलवर नहीं आया, नहीं आया हमारे रेफरी दो रह गए भी। ये हमारे रेफरी हैं जिन्होंने सारे मैचों में बहुत ही शानदार मुजाहिरा किया है, प्रदर्शन किया है, रेफरी लवकुश शर्मा क्वालिफाइड रेफरी जो कि दिल्ली लेग खिला चुके हैं। लवकुश शर्मा बहुत ही शानदार रेफरी हैं, और अमित चौहान जिन्होंने पूरा सहयोग दिया है इस टूर्नामेंट में, रेफरी राजीव मंडोरा। ये देखिए बहुत शानदार, सारे फोटो खराब कर देगा बेटा, पीछे हो जाए यार राजीव भाई। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में रेफरशिप करी है, बहुत ही शानदार पूरा सहयोग रहा है इनका। और ये अमित चौहान आगे से फोटो ले, फोटो को लवकुश शर्मा, लवकुश शर्मा क्वालिफाइड रेफरी दिल्ली लीग खिला चुके हैं, बहुत ही शानदार इन्होंने खिलाया है। बेटा पीछे हो जाए यार, लवकुश शर्मा अरे यार आगे आगे। और ये अमित चौहान, अमित चौहान है ये पूरे में सहयोग देते हुए टूर्नामेंट में। अमित चौहान पूरे सारे मैचेस में आई थिंक शायद मैचेस में इन्होंने ऑलमोस्ट रेफरशिप करी है। अमित चौहान सोहेल पकड़िए पकड़िए पहले ताबिश, ये वाली टीम ना है हमारी, ये हमारी मेरा वाला तो नाम ना है इस नाम पर। अरहान पीछे को तो हो जाए यार, बहुत शानदार। आदिल भाई, आदिल भाई यहाँ पर बनी अरहान, अरहान ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरा सहयोग दिया है, कंट्रीब्यूशन इनका काम करने के लिए बहुत ही शानदार। ईसा बी टीम के गोलकीपर, बहुत ही शानदार प्लेयर। अच्छा आप बना रहे हो, वो इसका भाग गए ना, ना, ना।
एक हमारे जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है एक हमारा बहुत अच्छा वर्कर है जो हमारे यहाँ रहता भी है और पूरी रोजाना कुर्सियाँ भी लगाता है ले जाता है कयासुद्दीन। इन्होंने बहुत मेहनत की हमारे टूर्नामेंट में। अगर गयासुद्दीन भाई इस टूर्नामेंट में शिरकत न करते खूबसूरत ग्राउंड तैयार न होता। गयासुद्दीन का बहुत ही कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो कंट्रीब्यूशन इस टूर्नामेंट में गयासुद्दीन का रहा है जो कि वर्कर हैं सोशल वर्कर। मिस्टर पुनीत अगर यहाँ हो तो आ जाएं। और ये हमारी दोनों टीमें बैठी हुई इंतज़ार करती हुई कि कब हमें ट्रॉफी मिलेगी। और ये देखिए ग्राउंड में पब्लिक गजागज है। काफ़ी बच्चों ने, हमारे तीन बच्चों ने बहुत अच्छी कमेंट्री की है। जी जी, और ये तीन कमेंटेटर हमारे कादिर अब्दुल कादिर साहब, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस टूर्नामेंट में कंट्रीब्यूशन रहा है उनका। अब्दुल कादिर साहब जिन्होंने बहुत ही अच्छी कमेंट्री करी है, उन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है कमेंट्री का। अब्दुल कादिर साहब बेस्ट कमेंट्री का अवार्ड मिलता हुआ अब्दुल कादिर साहब को। उवैसुल हक सुल्तान यहाँ पर सुल्तान उवैस थोड़े नाराज दिखते हुए एडवोकेट उसामा अली। ये देखिए इनके चेहरे पर मुस्कुराहट। चौधरी बदरुल इस्लाम ये अवार्ड देते हुए एडवोकेट उसामा अली को। क्या गजब मोमेंट है भाई आज का, ये यादगार रहने वाला है। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिन लोग तशरीफ रखे बच्चों को पीछे बलि चला था। ओए छोटो थोड़ा पीछे माइक 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 बंद होगा माइक दूसरा। इन्होंने ना दोपहरी देखी ना रात देखी, कभी पानी लगाना हुआ कभी हाथ, हम लोगों ने हाथ से ही काटी है। और जब भी मैं कॉल करता था सारे लड़के एकदम आएंगे, कभी तो भूखे रहेंगे। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स 12 भाई जो हमारे शाहिद लतीफ खालिद भाई जी मैं करूँगा, हमारे जो पूरे क्लब को जोड़े में हैं हमारे सभी बच्चों को। खालिद लतीफ साहब जो ऑर्गेनाइजर हैं इस टूर्नामेंट के, जिन्होंने बहुत अच्छा बहुत बढ़िया उसके बाद शाहिद लतीफ साहब ये ऑर्गेनाइजर कमेटी 12 मेंबर चौधरी गुड्डू शहाब बहुत बढ़िया। इतने हमारे कला भाई हैं जो बहुत ही बिजी रहते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमारे ग्राउंड पर बहुत टाइम दिया। चौधरी तलाउल इस्लाम जो बदर भाई के बेटे हैं प्लीज आए। एडवोकेट यूसुफ साहब उमर ले लें उनका भाई का बहुत बढ़िया उनका अवार्ड रिसीव करते हुए उमर जो उनके भतीजे हैं। चौधरी यूसुफ एडवोकेट यूसुफ चौधरी ये भी इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा। और ये मोनिश महबूद ये भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हिस्सा, बहुत ही शानदार इनका बहुत सहयोग रहा है पूरे टूर्नामेंट में। और मसरूर चौधरी ये भी इस कमेटी का हिस्सा। बहुत बढ़िया मेहताब चाचा मेहताब भाई तालियां। मेहताब भाई हमारे आते हैं। ओ अब्दुल कादिर साहब ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी हिस्सा, एक और ट्रॉफी प्राप्त करते हुए चौधरी बदरुल इस्लाम से। अनुज त्यागी बहुत शानदार मशीन और सब चीज बेचारे अरेंज करा और खुद इन्होंने अनुज त्यागी ये अवार्ड रिसीव करते हुए। कपिल
कपिल भाई, कपिल भाई है, बहुत मेहनत की है इन्होंने, कपिल भाई के लिए थोड़ी क्लैपिंग कर दो। बढ़िया भाई कपिल भाई, सफारी सूट के साथ हैवी है, बहुत मीठा खाते हैं वो, और पूरा टैलेंट सब चीजों पर जो जिम्मेदारी ली है निशान त्यागी और डोरेमोन साहब, हम दिल्ली आए हैं और ये सब इन्हीं के चलते हमारे यहाँ रहा है, मैं इनका भी बहुत बड़ा अदा करता हूँ। कितने स्नैक और ये हमारे एक मिनट चाचा दिखियो दिखियो दिखियो, ये हैं हबी सभी है सबीरा हारिस, जो के अभी वर्ल्ड कप हुआ था हाल ही में, उसमें सिल्वर मेडल लाई थी इंडिया के लिए, बहुत ही शानदार इंटरनेशनल शूटिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया है इन्होंने, सबीरा हारिस ने। जी लगती है हमारे रिहाना, तो उधर ही कहूँगा वो भी तशरीफ लाए, जो कराटे का जूडो का हमें नहीं पता था। ये रिहाना खातून जिन्होंने जूडो में गोल्ड प्राप्त किया है इंडिया के लिए, और फुटबॉल में भी इंडिया रिप्रेजेंट कर चुकी हैं रिहाना खातून, पार्टिसिपेट किया, बहुत बड़ी तालियां, बहुत बहुत क्लैपिंग इनके लिए एक बार। गोल्ड मेडल इंटरनेशनल नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट रिहाना खातून इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं फुटबॉल में। ये यार मान गए, काफी कई दफे गलत जगह पे आ गए, लोगों को बहुत देर से इंतजार है। कौन ये ओ छोटू, थोड़ा पीछे को दिख, बनना यार थोड़ा सा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, मैं उसके लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मैं हूँ, भाटी है तो फ्रॉम मेरे से, मैं भाटी जी से कहूँगा कि अच्छे से गोल मार दे भाटी, मेरठ के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, क्या गजब खेल है इनका भाटी का, बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाता है। क्लैपिंग एक बार जोर से, कादिर इधर को निकाल दे, खान चले को जाऊंगा। और यहां पर भाटी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी रिसीव करते हुए यो वंदना शर्मा से, ये हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के, बहुत बढ़िया तालियों की गड़गड़ाहट कम है भाई ऐसे प्लेयर के लिए, शानदार। कमेटी इधर को हाथ निकाल दे एक बार, कादिर हाँ हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, मैं बदर भाई से और राजेंद्र अंकल से कहूँगा, कादिर इधर को हाथ निकाल दे, और ये यहाँ पर चौधरी रिफाकत अली को लाइफ अचीवमेंट का अवार्ड देते हुए चौधरी बदरुल इस्लाम और नेशनल स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष राजन प्रकाश राजन शर्मा जी। क्लैपिंग भाई क्लैपिंग, शाबाश। बेटे बेटे सुनने भाई, जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट बैठकर देखा है और रोज जो भी पहला गोल मारता था उसपे 100 रुपए देते थे, एक अवार्ड स्पेशल हम उनको भी देते हैं। भाई रहीम हाँ, एक्स चेयरमैन ऑफ बुगरासी, बहुत बड़े शख्सियत हैं भाई इनका नाम, और चौधरी बदरुल इस्लाम सियाने की जाने मानी हस्ती और एक्स चेयरमैन ऑफ सियाना चौधरी बदरुल इस्लाम।
नहीं होता बेटा। और एक और ट्रॉफी प्राप्त करते हुए चौधरी था और इस टूर्नामेंट में जितने ज्यादा मेहनत की है ग्राउंड को बच्चों को ढूंढने में उनके लिए उनको तो मैं जो साहिब साहब ऐसे कहूँगा कि हमारे शाह भाई को ये अवार्ड दें। और चौधरी गुड्डू साहब एक और अवार्ड प्राप्त करते हुए सीओ वंदना शर्मा जी के थ्रू बोलेगा। खेल लिए तू ले लिए दे दे चाचा कर दे तो नो प्रॉब्लम ओके। डिस्कस करते हुए कमेटी मेंबर्स आमिर इस्माइल चौधरी आमिर अली शब्बू चौधरी कुछ अवार्ड ये शब्बू चौधरी साहब लाए थे। ये भी फुटबॉल के बहुत शौकीन हैं और पूरा टूर्नामेंट में इनका भी सही हो गया। वो अपनी तरफ से कुछ अवार्ड कुछ लोगों को देना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए बताएं किसको अवार्ड देना चाहते हैं। नहीं पहले पहले प्लेयर्स को किसको दूंगा पहला अवार्ड वो सबीरा हारिस के लिए लाए जो कि नेशनल प्लेयर खेल के आई है। वो आए चौधरी शब्बू की तरफ से चौधरी शब्बू की तरफ से एक और अवार्ड सबीरा हारिस के लिए जो नेशनल खेल कर आई है। बहुत क्योंकि सीओ साहबा को बहुत जल्दी जाना है। रिहाना रिहाना अबरार साहबा आ जाएं यहाँ पर सबीरा हारिस आ जाएं। सबीरा हारिस रिहाना अबरार ये शब्बू चौधरी की तरफ से लेकर आए हैं तीन प्लेयरों के लिए। सबीरा हारिस ये रिहाना अबरार बेटे रिहाना अबरार के लिए शब्बू चौधरी की भतीजी भी लगती है उनको ये एक स्पेशल अवार्ड देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी इमरान साहब जो कि प्रेजेंट में नेशनल लेवल के फुटबॉल प्लेयर हैं और प्रेजेंट में दिल्ली स्टेट टीम के कोच हैं इस टाइम प्रेजेंट में चौधरी इमरान अली। मुबारक हो आपको ये एक अवार्ड वो शहाबुद्दीन और गुड्डू के लिए शहाबुद्दीन और गुड्डू के लिए आए हैं एक अवार्ड चौधरी शब्बू चौधरी ये एक अवार्ड एक अवार्ड वो जनाब बदरुल इस्लाम साहब के लिए लाए हैं। अरे कुछ नहीं बदरुल इस्लाम साहब के लिए लाए हैं शब्बू चौधरी की तरफ से वो अपना दूसरा अवार्ड वो आफाकुर रहीम खान साहब के लिए भी लाए जो आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं वो भी आए और अपना इनाम लिया। एक अवार्ड चौधरी आफाकुर रहीम के लिए एक इनाम देते हुए शब्बू चौधरी की तरफ से एक अवार्ड याकूब अली साहब के लिए भी है। एक चौधरी याकूब अली के लिए याकूब साहब अपने अवार्ड ने शब्बू चौधरी की तरफ से बहुत अच्छा जो कि लंदन से तशरीफ लाए हैं चौधरी याकूब अली। इसके साथ ही वो हमारी जो आज की मोहतरमा वंदना वर्मा वंदना शर्मा साहिबा साहब उनके लिए भी एक अवार्ड लाए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो बहुत शुक्रिया। चलिए हम अपने अवार्ड के लिए आते हैं। सबसे पहले अब मैं अब जो आपके लिए तैयार कैप्टन जो आज बहुत ही घमासान मैच हुआ था मेरठ वर्सेस बास्टा उसका रनर अप बास्टा रहा है। एक अवार्ड जो हम टूर्नामेंट के कन्वीनर डॉक्टर राहत अली साहब के लिए हमने रखा था। मैं चाहूंगा कि हमारी सीओ साहिबा मोहतरमा वंदना शर्मा जी हमारी टूर्नामेंट के कन्वीनर डॉक्टर राहत साहब को अवार्ड देके
उनका हौसला बढ़ाया। डॉक्टर राहत अली जो इस टूर्नामेंट के कन्वेनर हैं, सीओ वंदना शर्मा जी ने पुरस्कार देते हुए। मैं बहुत ही शुक्रिया करता हूँ जो रनर अप के 12 में प्लीज जल्दी आते हैं। रनर अप के 12 आ जाएं बास्टा वाले रनर्स अप के जो जल्दी आते रहे बास्टा के लिए जल्दी उमर 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 इन्हें हटा लो, इन्हें पीछे कर लो। आते रहे सब 12 लोग आते रहे। एहतिशाम शुभम अमन जॉन्टी आयुष राहुल ये रनर अप टीम है बास्टा बास्टा की रनर अप टीम और साहिल लेते रहे। मैं चाहूंगा कि जो आज की टीम के विनर्स 12 है वो भी बहुत जल्दी आके अपना इंडिविजुअल प्राइज ले। इंडिविजुअल प्राइज देते हुए चौधरी बदरुल इस्लाम जो कि रनर अप टीम है बास्टा, उनके सभी प्लेयर को इंडिविजुअल प्राइज देते हुए सीओ वंदना शर्मा और चौधरी बदरुल इस्लाम जो हमारे इस टूर्नामेंट के आज के चीफ गेस्ट रहे हैं। और ये आदिल मिर्जा क्या खूब प्लेयर हैं, ये तारीफ करनी होगी इस प्लेयर की भाई। इसके फौरन बाद प्लीज जो हमारी आज की विनर टीम है मेरे यूनाइटेड उसके इंडिविजुअल प्राइज के लिए उसके टीम के 12 मेंबर आ जाए तालियां बजाएं ना, बैच टूर्नामेंट जीता है बच्चों ने और बहुत मुबारक। राशिद 3 नंबर मास्टर की तरफ से बहुत ही शानदार प्लेयर, क्या गजब गेम दिखाया इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। और ये विनर टीम मेरठ के जिन्होंने नेशनल स्पोर्टिंग क्लब के फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 का विनर कप हासिल किया है आज। ये गोली मेरठ के और ये बैक में 2 नंबर क्या शानदार प्लेयर है अभी दानिश। और ये विनर वंदना शर्मा चौधरी याकूब अली जो लंदन से आए हैं वो भी आज के चीफ गेस्ट हैं। बहुत बहुत नहीं नहीं उसकी हेल्थ थोड़ी ज्यादा है। और ये बाटी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं ये मेरठ के लिए, बहुत ही शानदार क्या गजब का गेम है। ये टीम लाए मेरठ की। अच्छा मैं चाहूंगा कि जो आज की टूर्नामेंट के रनर हैं 11 स्टार बास्टा उसके कप्तान हैं और अपनी रनर अप ट्रॉफी ये रनर अप ट्रॉफी है बास्टा के लिए, छोटी है छोटी लिख रहा है ना उसमें रनर अप की पूरी रनर अप टीम कप्तान और बाकी प्लेयर प्लीज। ये रनर अप है क्या गेम दिखाया बास्टा वालों ने, बहुत ही शानदार ट्रॉफी यहाँ पर रनर अप। चीफ गेस्ट चौधरी बदरुल इस्लाम और सीओ वंदना शर्मा के हाथों ये इनाम दिया जा रहा है आज का चीफ रनर अप टीम को। बास्टा वालों ने बहुत बढ़िया भाई क्लैपिंग क्लैपिंग
मैं चाहूंगा किस बात की है आप लोग पीछे आ जाओ कमेटी में एक कैश प्राइज भी 11,000 रुपए का प्लीज लेकर जाइए कैश प्राइज भी ले लें अभी सीओ साहब के हाथ से कैश प्राइज 11,000 रुपए यहाँ पर बादशाह की टीम को दिया जाता है वो छोड़ दे 11,000 रुपए का 11,000 रुपए जो कि सेकंड प्राइज था नेशनल स्पोर्टिंग क्लब टूर्नामेंट का अभी मेरठ की टीम आ जाए इंतजार रहता है जिसके लिए जो कि विनर ट्रॉफी बहुत ही शानदार ट्रॉफी है विनर वालों के लिए जो कि मेरठ के कप्तान आशीष जो कि मेरठ के कप्तान हैं आशीष वो भी इस ट्रॉफी को प्राप्त करेंगे सीओ वंदना शर्मा और चौधरी बदरुद्दीन के हाथों से हमें फोटो खिंचा जाओ भाई और ये पूरी मेरठ की टीम है जिन्होंने नेशनल स्पोर्टिंग क्लब 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट को कप विनर कप हासिल किया है और ये कप्तान आशीष बहुत ही शानदार क्या बात है भाई ये डिफेंडिंग चैंपियन भी रही थी 2013 में और इसके साथ ही हाँ ये 21,000 ये कैश प्राइज 21,000 रुपए भी इन्हें दिया जाता है बहुत बहुत मुबारक मेरठ यूनाइटेड मेरठ यूनाइटेड वेल प्लेड भाई पहली कैदी में इधर उठाई ट्रॉफी हमने पहले तो दिखा मेरे को बोलता अच्छा खींच रहा हूँ एक और ये कैश प्राइज देते हुए सीओ वंदना शर्मा और चौधरी बदर इस्लाम मेरठ यूनाइटेड को 21,000 रुपए था जो बहुत ही शानदार वेल प्लेड जो है कोचिंग दी है आदिल मिर्जा भाग क्या रही आदिल मिर्जा कि दो स्पेशल प्राइज दिल्ली से आए हैं फेयर प्ले के लिए अक्कू के लिए फेयर प्ले वो हाथों से ये स्पेशल प्राइज हैं फेयर प्ले अवार्ड अक्कू मेरठ यूनाइटेड के प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड एक और प्लेयर आदिल मिर्जा जो पूरे टूर्नामेंट में छह रहे और वो सबसे ज्यादा स्कोर भी उन्होंने किया आदिल मिर्जा भाग के दौड़ के आके अपने आदिल मिर्जा दौड़ के आके अपना इनाम मिले बहुत तेजी से है इस प्लेयर ने भी पूरे 16 तारीख से लोगों को अपना दीवाना बना रखा है अपने स्किल की वजह से अपने स्कोरिंग पावर की वजह से छोटे पद के उम्र है 6 गोल करें आदिल मिर्जा जो कि बादशाह से हैं क्या शानदार गेम दिखाया इन्होंने अब हमें सिर्फ 4 अवार्ड रह गए जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं मैं सबसे पहले याकूब साहब से कहूंगा कि वह अपना इनाम लें याकूब साहब बड़े भाई इसको अवार्ड देंगे चीफ गेस्ट का अवार्ड दिया था स्पेशल प्राइज मैं आफाकुर रहीम खान साहब से भी कहूंगा कि वो भी अपना एक अवार्ड जो हमारा छोटा सा अवार्ड है स्पेशल रहीम खान एक्स चेयरमैन चीफ गेस्ट का अवार्ड ड्रॉप करते हुए राजन शर्मा जो हमारे धमनवा हर वक्त एक्टिविटीज के लिए तैयार रहते हैं कभी भी जाते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं आप तो सब जानते हैं सीओ हमारे चौधरी बदरुल इस्लाम साहब आई वांट टू देके स्पेशल प्राइज देकर उनका भी ऑनर बनाया बहुत बहुत शुक्रिया बदरुल इस्लाम को चीफ गेस्ट का इनाम देते हुए सीओ वंदना शर्मा का भी एक छोटा सा हमारा और ये एक प्राइज स्पेशल गेस्ट जो चौधरी बदर इस्लाम देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मेहमान खुसूसी मोहतरमा वंदना शर्मा साहिबा इतना कीमती वक्त आपने दिया
इसके अलावा भी आपने हमें और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मेहमान खुसूसी वंदना शर्मा जी का कि वो काफी वक्त उन्होंने हमको दिया और हमारे मैं ये कहां मार दिया तूने और ये अब्दुल कादिर साहब लो कादिर भाई हो गया बहुत बहुत शुक्रिया सबके लिए चलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और इस टूर्नामेंट का आज फाइनल हो चुका है और जैसा कि आपने देखा तमाम दर्शकों ने देखा कि क्या ज़बरदस्त मैच हुआ फाइनल और मेरठ यूनाइटेड क्लब इस टूर्नामेंट का फाइनल विजेता रहा 2-1 की बढ़त से हमेशा से बनकर चलता रहा और फाइनल डिसीजन वही रहा दोस्तों फिर कभी और किसी दूसरी वीडियो के साथ में आपके साथ में हाजिर होऊंगा NSC4U यूट्यूब पर जाकर आप सब्सक्राइब कर लें और आपको पूरा टूर्नामेंट के हर एक मैच का आंखों देखा हाल मिल जाएगा IP न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें आपको उस पर हर तरह की खबरें आपको मिलती रहेंगी मैं हूं अब्दुल कादिर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का धन्यवाद टूर्नामेंट की कमेटी को 5,000 रुपए देते हैं हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं पप्पू भाई का और बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई।